बुधवार को संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर आक्रामक था, तो वहीं विपक्ष के लिए जवाब देना भारी पड़ रहा था। बीजेपी उपराष्ट्रपति के मामले पर प्रदर्शन कर रही है और ममता बनर्जी से माफी की मांग कर रही है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री यानी नकल उतारने का मामला गर्माता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संसद में जिस तरह से जगदीप धनखड़ को अपमानित किया गया, उससे वह निराश हुई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बाकायदा मुलाकात की। उन्होंने संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के जरिए उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद का अपमान और उनके जरिए किए गए गंभीर दुर्व्यवहार के मामले में अपनी चिंता और पीड़ा व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपना दुख जताया है और सभापति से बात की और कहा कि वह खुद भी पिछले 20 सालों से इस तरह के अपमान का सामना कर रहे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ यह होना वह भी संसद में दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्नकाल से ठीक पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को हुई घटना पर चिंता जताई और कहा कि मैं कुर्सी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। जगदीप धनखड़ के सम्मान और इंडी गठबंधन के विरोध में बीजेपी के सदस्यों ने राज्यसभा की कार्यवाही में एक घंटे खड़े होकर हिस्सा लेने का फैसला किया। बाद में सभापति के आग्रह पर बीजेपी सदस्य सदन में बैठ गए। मैं खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूँ, खून की घूंट पीता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इस विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बयान देते हुए कहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरीके से मिमिक्री करके कल्याण बनर्जी ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उनको अपमानित करने की कोशिश की, इसको लेकर बीजेपी की जो महिला सांसद है वो बहुत आक्रोशित है और ममता बनर्जी से भी माफी की मांग कर रही है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का ये कल्याण जी ने और खुद राहुल गांधी वीडियो बना के ये अपमान किया, ये उपराष्ट्रपति जी का नहीं लोकतंत्र की हत्या की है। उनकी मंशा तो इतनी खराब थी और उससे भी खराब मंशा राहुल गांधी की थी जो वीडियो बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल मिमिक्री कर रहा था। देखिए, और ये एक कला है, अगर ये कला है और आप मिमिक्री कर रहे हैं तो क्यों आप सांसद पद पर बने हुए हैं? आप सांसद पद से त्याग पत्र देकर केवल अपनी कला का ही प्रदर्शन करें, आप मिमिक्री करें। 21 दिसंबर को कल भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे देश भर में किसान समाज के साथ घमंडिया गठबंधन का और राहुल गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम कल करेंगे। इधर ताजा घटनाक्रमों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी है। आई हैव सेड ऑलरेडी आई डिड नॉट वांट टू हर्ट एनीवन्स माइंड, आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट टू एवरीवन, आई एम हैविंग अ रेस्पेक्ट ऑल्सो टू द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, Each and everyone, all the who are holding the constitutional post. दरअसल संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में मंगलवार को संसद भवन परिसर में मॉक कार्रवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। जिस वक्त बनर्जी ऐसा कर रहे थे उस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। इस दौरान बाकी विपक्षी सांसदों को भी ठहाके लगाकर हंसते हुए देखा गया। बनर्जी की इस हरकत के लिए चारों ओर आलोचना हो रही है।